हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन अब थोड़ा सा इस चैप्टर का लास्ट ही पोर्शन बच रहा है, कल तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको नीट के बारे में बता रही थी कि अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था और उसका मैंने पेपर देखा था, और उसमें आप ये मान के चलिए कि 55% तो 11th से था और 45% 12th से था। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि 11th क्लास जो है, ये नहीं कि आप उसको एज ए ले लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन को बस छोड़ दो, बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस थे। तो इसलिए जो है, आपको एनसीईआरटी से कहीं बाहर जाना ही नहीं है। ज़्यादा रेफरेंस बुक, हाँ अलग, आप कहोगे भाई इसमें तो रेफरेंस बुक में तो उसके 10 एग्जांपल हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं इतने करने की। आप केवल एनसीईआरटी वाली बुक ही फॉलो करो। और सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं कहती, लेकिन बायोलॉजी के लिए जो 90 क्वेश्चन थे, उन एक क्वेश्चन में थोड़े सा उन्होंने इनडायरेक्ट दिया था, बाकी 89 क्वेश्चन तो थे वो एज इट इज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आए थे। और जो अपन ये चीज़ें पढ़ते हैं, और इसीलिए जैसे कई बार मैं बोलती हूँ कि ये नीट में आ सकता है, तो ये जो है आप थोड़ा उन पर ध्यान दो, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉलो करने के लिए कहती हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। और 11th को बहुत अच्छी तरीके से करना। किसी को पेपर चाहिए तो वो मुझे बता देना, मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सीड, सीड क्या है? कल भी मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल है, जो अंडप है, वो जिसे अपन बीजांड बोलते हैं, तो वो जो ओव्यूल है वो निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदलता है? सीड में। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे भिंडी है, तो जब वो फ्लावर में था तब तो वो बीजांड था, ओव्यूल था, लेकिन जब वो फल बन गया तो वही चीज़ क्या बन गई? बीज बन गई या सीड बन गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे फ्लावर के लिए, वो फ्रूट के लिए पूछा जाता है, तो आपने कहा मैच्योर ओवरी, परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ सीड को आप क्या कहोगे कि परिपक्व जो बीजांड है, जो ओव्यूल है, मैच्योर ओव्यूल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखो कि सबने सीड देखे हुए हैं, तो जैसे अगर हम चना है, चने को या ग्राम को अगर हम भिगोते हैं, तो भिगोने के बाद आप थोड़ा सा उसको दबाओगे तो उसमें से आपको दो दाल दिखाई देगी, जिसे अपन चने की दाल बोलते हैं। ये दाल एक्चुअली क्या है? कॉटिलिडन। इसको हम क्या बोलते हैं? बीज पत्र या कॉटिलिडन। और इसी के आधार पर हमने सारे जो सीड्स हैं उनको दो भागों में बांटा हुआ है, मोनोकॉट और डाइकॉट। यानी मोनोकॉटिलिडन, एक अगर कॉटिलिडन है तो हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। और अगर दो हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाइकॉटिलिडन। एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। तो हमारे पास में जितने ये अन्य है, हमारे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब हमारे क्या है? मोनोकॉट्स, एक बीजपत्री। और जबकि हमारे पास में द्विबीजपत्री में चना मटर वगैरह जो है, ये किस में आते हैं? आपके द्विबीजपत्री। और ये मान के चलिए कि अगर हमारे पास में 100 प्लांट हैं, तो उस प्लांट में से मुश्किल से 10 या 15 तो आपको मिलेंगे मोनोकॉट, जबकि आपको 80 से 90% आपको क्या मिलेंगे? डाइकॉट। तो डाइकॉट प्लांट जो होते हैं, डाइकोटिलिन, वो ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में अब अपन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यह है द्विबीजपत्री, इसमें मैंने चने का एग्जांपल आपको दिया है, तो ये आपने सब में देखा है। सबसे बाहर की तरफ जो, जैसे ब्राउन कलर का होता है चना, तो जो ब्राउन कलर का कवर दिखता है वो तो आपका क्या होता है? सीड कोट या बीजांड आवरण। फिर उसके बाद में अगर अपन अंदर की तरफ देखें, तो इसमें आपको एक और परत दिखाई देगी, तो यहाँ पे सबसे बाहर वाली तो कहलाती है बीज चोल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टा। और अंदर जो है, अगर आप चने पे देखते हो, तो थोड़ी ऑरेंज कलर की आपको एक, वो हालांकि चिपकी हुई होती है इसलिए अपने को इतनी इजीली दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टैग्नम, अंतचोल या टैग्नम, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखो चने को, अगर आप देखो तो चने पे आपको एक छेद दिखाई देगा। ये जो छेद है, ये छेद जैसे आप अपने पेट पे भी देखते हो, आपके पेट पे भी एक सुंडी है, जैसे नेबल या सुंडी कहते हैं, और वो क्यों है?
वो इसलिए है कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है, मैं आपको एग्जांपल इसलिए ऐसे देती हूँ ताकि आपको चीज एकदम से इजीली समझ में आ जाए कि जब पेट के अंदर होता है तो उससे नाल चिपकी रहती है, मदर से उसका कनेक्शन होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा, उसी के थ्रू खाना खा रहा है वो, सारे काम किसके, सांस भी उसी से ले रहा है, सब कुछ काम किससे कर रहा है, उस प्लेसेंटा से, उस नाल से। तो वो तो है एनिमल में, लेकिन यहाँ पर भी है। ये जो आपको छेद दिख रहा है, ये छेद जैसे है वो एक तरह से इसकी क्या सुंडी है, ठीक है, और इसी को हम माइक्रोपाइल या हाइलम, अब ये कल भी क्वेश्चन आया था कि हाइलम, तो हाइलम क्या है, वो जगह है जहां से कि सीड अपने प्लेसेंटा से या जुड़ता है। जैसे कल आपको दिखाए थे हमने प्लेसेंटेशन, तो बीजान्यास, तो उसमें क्या था, वो जुड़ा हुआ था ओव्यूल उससे, और जब वो मैच्योर हो गया तो वो उस वहां से हट गई, तो वहां पे छेद रह गया। आप चाहे आप गेहूं में देखो, चने में देखो, आपको एक छेद दिखाई देगा, तो ये छेद क्या, एक गड्ढा सा दिखाई देगा, तो ये हाइलम या जब पहले होता है तो वो क्या कहलाता है, माइक्रोपॉल या बीजांड द्वार, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, अपन जब इसको खोल के देखते हैं तो इसमें आपको दो बीज पत्र दिख रहे हैं, और ये जो बीज पत्र हैं, ये बीज पत्र जैसे जैसे बीज अंकुरित होगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे पोषण का काम करते हैं, और ये तो हो जाएंगे खत्म और प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, इसमें से नवोद्भिद निकल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है नवोद्भिद, इसमें तो ऊपर की तरफ है इसमें प्लूमूल, जिसे हम प्रांकुर बोलते हैं, जब मैंने आपको तने की और उनकी परिभाषा बताई थी, तो इससे तो तना बनेगा, तो ये प्लूमूल या इसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर। और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं मूलांकुर या रेडिकल, जिससे कि रूट डेवलप होती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, सीड की। फिर उसके बाद में है मोनोकोट, एक बीज पत्री। अब एक बीज पत्री, हालांकि अपन उसको ढंग से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें संरचना आपको वैसे नहीं दिखेगी, ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इसमें आप देख भी रहो, दो में डिवाइड किया हुआ है, तो ऊपर जैसे उसमें कवर था वैसे यहाँ पे भी सीड कोट है, और सीड कोट के बाद में ये दो में डिवाइड हो गया, और दो में डिवाइड होने के बाद में एक पतली सी आपको लेयर दिखाई देती है जिसे बोल रहे हैं एल्यूरोन। अब ये एल्यूरोन का क्वेश्चन भी नीट में आया था, अब आप देख लो सीड से दो क्वेश्चन उठ के आ गए, ठीक है। तो ये एल्यूरोन है, और एल्यूरोन के बीच में यहाँ पे होता है एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण कोष, और नीचे होता है इसमें ये होता है इसका स्कूटेलम, और ये स्कूटेलम के, अब यहाँ देखो शब्दों के हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूटेलम यहाँ तो हमने क्या कहा था, कॉटिलिडन या बीज पत्र, ठीक है, और यहाँ पर हम बीज पत्र नहीं कह के क्या करें, स्कूटेलम, और यहाँ पे एक है, तो ये ध्यान रख लेने। एक बार क्वेश्चन आया भी था कि स्कूटेलम क्या होता है, या मोनोकोट में बीज पत्र को क्या कहते हैं, वो है स्कूटेलम, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना, और ये एक होता है, वहां दो थे यहाँ पे एक, तो आप इसको टेलम को बोलोगे तो सही, लेकिन ध्यान में क्या रखोगे, ये कॉटिलिडन है या ये बीज पत्र है। उसके बाद में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है कि जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन भी एक दिया था टेस्ट में जब मंडे को, तो उसमें मैंने आपको जो हिंदी में उनमें पूछा था कि भ्रूण कोष की संरचना बनाओ, जिसे बोलते हैं एंडो एम्ब्रियो सैक, ये ध्यान रख लेना। दो शब्द हैं इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक तो है भ्रूण कोष और एक है भ्रूण पोष। तो भ्रूण कोष को तो हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और जो भ्रूण पोष है उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो भ्रूण चीज दोनों एक ही है, लेकिन बस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या निषेचन से पहले तो वो होता है कोष, और निषेचन के बाद वो बदल जाता है पोष में। तो ये जो है एंडोस्पर्म या ये है, ये केवल आपको मोनोकॉट में मिलेगा, डाइकॉट में नहीं मिलेगा, और ये यहाँ पे न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। तो अभी जैसे आगे आपके बुक में भी है कि भ्रूण पोषी और अभ्रूण पोषी, यानी कि जिनमें भ्रूण पोष उपस्थित है उसे तो हम बोलते हैं भ्रूण पोषी, और जिसमें अनुपस्थित है उसे हम बोलते हैं अभ्रूण पोषी। तो जितने आपके द्विबीजपत्री वाले हैं वो तो हैं अभ्रूण पोषी, और जितने आपके एक बीजपत्र वाले हैं वो सारे आपके कौन से हैं, भ्रूण पोषी या एंडोस्पर्मिक सीड, और वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा है जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है। तो भ्रूणपोष और भ्रूणकोष इसका आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका सीड का हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम जो फोटो भी दे रही हूँ उस हिसाब से इसको करना है। देखो अब देखो ये तो अपना सीड वाला हो गया कंप्लीट। अब अपने को फैमिलीज या कुल, आपके कोर्स में तीन कुल दे रखे हैं, एक तो लेग्यूमिनेसी यानी फैबेसी मटर वाला दे रखा है, एक सोलेनेसी वाला दे रखा है जिसमें बैंगन या जितनी चीज़ें हैं वो सारी आएंगी, आपकी सब्जी कुल भी इसे कहते हैं, और एक आपका लिलियसी दे रखा है प्याज वाला। तो तीन फैमिलीज आपके कोर्स में हैं, लेकिन उनको लिखने से या उनको समझने से पहले आपको थोड़ी सी जो है इसकी अलग से लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना है। अब यहाँ पे देखो अभी आएगा पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला, जैसे अपने मैथ्स में फॉर्मूला है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप फॉर्मूले पढ़ते हो, यहाँ थोड़े बायोलॉजी में भी फॉर्मूले हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूले में अपने को जो है कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करने हैं, कुछ हमारे पास में साइन है उनको यूज करने हैं। तो ये मैं आपको दे भी रही हूँ यहाँ पे, आपके बुक में इतने क्लियर नहीं है, बिल्कुल एक साथ ही है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है आप फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल, फिर एक डायग्राम भी आएगा वो मैं कल कराऊंगी, अभी तो मैं फ्लोरल फार्मूला के पुष्प सूत्र के हिसाब से मैं आपको इसमें बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, पत्ती पढ़ ली, तना पढ़ लिया, मूल पढ़ लिया, फ्लावर भी हो गया, सीड भी हो गया, आपका फ्रूट भी हो गया, सारे पार्ट्स आपने फ्लावर प्लांट के पढ़ लिए। अब अपन इसको कैसे लिखेंगे कि एक सूत्र आप लिख दोगे तो उस फॉर्मूले से आप उस पूरे प्लांट के बारे में पता कर सकते हो, तो ये कहलाता है आपका पुष्प सूत्र या पुष्प फ्लोरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो कुछ है, जैसे सबसे पहले त्रिज्या सममित या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और इसमें हम साइन कैसे लगाते हैं, एक गोला है और गोले के अंदर हमने प्लस का साइन लगा रखा है, यानी कि ये आपने रेडियल सिमेट्री या त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ ली थी कि आप उसको कहीं से भी कट करोगे तो वो आपको इक्वल मिलेगा। तो फ्लावर अधिकतर कैसे होते हैं, वैसे ही होते हैं, गोल ही होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा, जैसे अपन मैथ्स में परसेंट का साइन लगाते हैं तो उसी तरीके से साइन है, तो उसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक मॉर्फिक या एक व्यास सममित। उसके बाद में हमारे पास में अगर फ्लावर है तो अधिकतर फ्लावर कैसे होते हैं, द्विलिंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, तो अगर मेल ही है केवल तो हम उसे स्टेमिनेट बोलते हैं, और अगर फीमेल है तो उसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट, या आप अगर हिंदी में कह सकते हो तो नर पुष्प और मादा पुष्प इस तरीके से, और दोनों एक साथ हैं तो द्विलिंगी। और इसका साइन जैसा कर भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो उसमें आप देखते हो कि एक गोला सा बना हुआ है उसके ऊपर एक तीर का निशान है, तो उसका मतलब तो है नर या मेल, और अगर एक राउंड बना रखा है और उसके नीचे प्लस का साइन है तो इसका मतलब है फीमेल। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक एरो बना हुआ है इसका मतलब तो मेल है, और अगर नीचे प्लस का साइन है तो इसका मतलब फीमेल है। तो अपन भी जब यूज करेंगे तब यहाँ ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में अगर कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ जीरो न्यूट्रल उदासीन, कई पुष्प होते हैं जो जिनको अपन क्या बोलते हैं स्टेराइल हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए अपन यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको सहपत्र बताया था, तो अगर सहपत्र है तो बी आर ब्रैक्टिएट, और अगर नहीं है तो ई बी आर, इस तरीके से अपन उसको करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ देखो कि एपिकैलेक्स कुछ जो है, जैसे गुड़हल का जो पुष्प है उस पुष्प में आपको इन चार चक्रों के अलावा भी एक चक्र मिलता है, उसे बोलते हैं एपिकैलेक्स, तो उसके ई पी आई। फिर उसके बाद में कैलेक्स बाह्य दल के लिए हम कैपिटल के यूज करते हैं, अगर हम कोरोला या दल के लिए हम कैपिटल सी यूज करते हैं। फिर एंड्रोसियम है उसके लिए हम कैपिटल ए यूज़ करते हैं, गाइनोसियम है तो उसके लिए हम कैपिटल जी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम ये फ्लोरल फार्मूला करते हैं। फ्लोरल डायग्राम मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।